घलोल व बकड़ू गांव को जाने वाले रास्ते को लेकर ग्रामीणों द्वारा जिलाधीश हमीरपुर को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने हमीरपुर जिलाधीश से मांग की है कि छलोल व बकड़ू के समस्त गांववासी वर्षों से खेतीबाड़ी व निजी कार्यों के लिए उस रास्ते से जाते थे, लेकिन रास्ते को राजीव कुमार सुपुत्र बतन सिंह ने कांटेदार बाड़ लगाकर रास्ते को बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि गांववासी प्रतिदिन निजी कार्यों, बच्चों का स्कूल जाना, अस्पताल जाना, ड्यूटी पर जाना होता है, जिसमें शरारती तत्व द्वारा बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये रास्ता लगभग 25 घरों के लोगों का रास्ता है। ये रास्ता बंद होने से लोगों को खेतों से होकर जाना पड़ रहा है। इसके संदर्भ में पंचायत व उपमंडलाधिकारी तथा पुलिस के पास शिकायत भी दर्ज की थी, जिसके बाद मौके पर आकर पुलिस ने रास्ते को खुलवा दिया, लेकिन उसके दूसरे दिन ही राजीव कुमार ने तार लगाकर रास्ते को बंद कर दिया। जब इसके बारे में उससे बात की गई तो वह और उसका परिवार गाली गलौज व अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। गांववासियों ने कहा कि आगे बरसात का मौसम आ रहा है, जिससे उन्हें परेशानी न झेलनी पड़े, इसको लेकर इस रास्ते को जल्द खुलवाया जाए और उन्हें राहत प्रदान की जाए। मैं घलोल वासी हूँ। जो पुराना 100 साल पहले का रास्ता था, पैदल से चलता हुआ, वो इसने बंद कर दिया पूरे गांव का। राजीव कुमार ने बंद कर दिया और मेरी जगह में भी नए रास्ते निकाल रहे हैं। तो मेरा कोर्ट केस चला हुआ है, हाई कोर्ट से मैंने केस जीता हुआ है। घलोल की और बखड़ू की जो बाउंड्री है वो हमने क्लियर करवानी है। तो वहाँ से 4 एंगले चोर के खा गया, निशानदेही हुई थी, हमारा केस चला हुआ है। लेकिन फिर भी वो बाउंड्री की कोई खुनाई कर रहा है और बोलता है कि आशा देवी जैसे लोग, तो मैं कैसे चलूँ नवा रास्ता जब मेरे आबादी में रास्ता है ही नहीं, मेरी आबादी के पीछे रास्ता खत्म हो जाता है।